हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि हाल ही में रूस और किस देश के बीच में नई दिल्ली में गंगा और वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया। इसका सही जवाब है भारत, यानी कि भारत और रूस के बीच में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में, यानी कि भारत के कैपिटल में। तो इस वार्ता का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया था, रूस के साथ। और इस इवेंट में भारत और रूस के कई गणमान्य विद्वानों ने हिस्सा भी लिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। और डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, जो इसका नाम रखा गया है यानी कि वोल्गा और गंगा वार्ता, तो आपको तो पता ही है कि गंगा एक भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। वैसे ही जो वोल्गा है वो रूस का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है और ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। और वोल्गा नदी यूरोप, साथ ही साथ यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदियों में से एक है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों कि इस वार्ता का जो थीम था वो हर, जैसे किसी भी वार्ता का थीम होता है, तो इस वार्ता का जो थीम था वो था कनेक्टिविटी। साथ ही साथ इस वार्ता में डिजिटल कनेक्टिविटी, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, उद्यमशीलता इत्यादि पर चर्चा की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? इसका सही जवाब है चीन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं, और चीन का जो एक शहर है जिसका नाम है वुहान, ये बताया जा रहा है कि वुहान से ही सबसे पहले इसके जो वायरस को पाए जाने की आशंका जताई गई थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार ये वायरस सी फूड से जुड़ा हुआ है, और इसकी शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया हुबेई प्रांत के वुहान, यानी कि WHAN वुहान करके नाम का एक शहर है, वहाँ से, वहाँ के सी फूड बाज़ार में इससे मानी जा रही है कि वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और ख़ास बात यह है कि ये जो वायरस है ना केवल इंसानों में बल्कि पशुओं को भी अपना शिकार बना रहा है। और कोरोना वायरस सबसे पहले दिसंबर 2019 में जैसे पाया गया था, और अब तक चीन में 100 से अधिक लोग इसकी वजह से मारे जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस का वैश्विक जोखिम मध्य से उच्च तक बढ़ गया है, और विभिन्न देशों में संदिग्ध रोगियों में कोरोना वायरस के प्रकोप का खतरा दोगुना हो गया है। कोरोना वायरस प्रभावित वुहान में भारत के 250 से अधिक छात्र मौजूद हैं जिन्हें भारत सरकार निकालने की योजना बना रही है, और जो एक विमान है एयर इंडिया का खास विमान है उसको भी ले जाने की वहाँ बात हो रही है कि चाइना ले जाया जाएगा, और वहाँ जो फंसे हुए हैं भारतीय उनको वापस लेकर के आया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको यही बता देते हैं कि जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी जो कि 26 जनवरी 2020 में एक रिपोर्ट थी। उसके जो उसमें जो आंकड़े बताए गए थे उसके अनुसार चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, नेपाल, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। और WHO के अनुसार इससे बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साफ रखना ज़रूरी होता है, और इस किसी भी जानवर या फिर पक्षी से सीधे अगर संपर्क में आते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी ख़तरनाक बताया जा रहा है, और अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी दवाई सामने नहीं आई है कि जिससे कि कोरोना वायरस से बचा जा सके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट JagranJosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप
कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसकी जो सही जवाब है वो है गति। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, उन्होंने हाल ही में ऑनलाइन वेब पोर्टल गति की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित कोई भी समस्या को दर्ज किया जा सकेगा। साथ ही साथ इस पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य की गति और उनका वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। अब इसके लाभ क्या होंगे दोस्तों, उनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ तो आपको पहले ही बता दिया इसमें कि क्या क्या लाभ होंगे इससे, यानी कि गति से। और अब जो है जो बात आ रही है और भी बात जो कही जा रही है उसमें ये भी कहा गया है कि इससे न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के निर्णय को भी गति मिल सकेगी। साथ ही साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राजमार्ग निर्माण से संबंधित कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उस पर मंत्रालय निर्देश जारी करेगा। और साथ ही साथ इस पोर्टल की निगरानी जो है वो NHAI अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएगी। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नेपाल की संसद में के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो उसका सही जवाब है वो है अग्नि प्रसाद। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि नेपाल जो है वहाँ पर प्रतिनिधि सभा नेपाल के द्विसदनीय संघीय सदन का निचला सदन या लोकसभा है और ऊपरी सदन जो है वो राष्ट्रीय सभा उसको कहा जाता है। तो नेपाल के में अग्नि प्रसाद सपकोटा ने 27 जनवरी 2020 को नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में प्रेसिडेंट हाउस में उन्हें पद की शपथ दिलाई और इससे पहले सत्ताधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अग्नि प्रसाद सपकोटा को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुना गया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। 28 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिवस मनाया गया? तो उसका सही जवाब है वो है लाला लाजपत राय। दोस्तों आपको बता दें कि 28 जनवरी को लाला लाजपत राय का जन्मदिवस मनाया जाता है और साल 2020 में लाला लाजपत राय का 155वां जन्मदिवस मनाया गया। उनका जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था और आर्य समाज से प्रभावित लाला लाजपत राय ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार भी किया था। पंजाब में उनके कामों की वजह से उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान घायल होने पर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे साइमन कमीशन की बात की, वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये क्या है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी और इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत सदस्य थे और यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। साइमन कमीशन की घोषणा जो है वो 8 नवंबर 1927 को की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था जिस कारण इसका बहुत ही विरोध हुआ था और जिसमें आपको मैंने बताया कि लाला लाजपत राय ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी और उन्होंने इसके विरोध भी किया था और वो इस एक प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे जिसमें कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस शहर में तैयार की जा रही है? इसका सही जवाब है कोलकाता। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कोलकाता में तैयार की जा रही है। ये मेट्रो हुगली नदी के नीचे बनाई जा रही है। इस परियोजना का निर्माण कार्य मार्च 2020 तक पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। गौरतलब है कि हुगली नदी को नाव की सहायता से पार करने में करीब 20 मिनट का समय लगता है जबकि जलमग्न मेट्रो की सहायता से इसे केवल 1 मिनट में पार किया जा सकेगा। इस परियोजना को जापान की एक कंपनी जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी उसकी सहायता से
पूरा किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों कि इस लाइन को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्टेशन को से हावड़ा मैदान तक जोड़ा जाएगा और मेट्रो की सुरंग को अप्रैल 2017 से बनाया जा रहा है और सुरंग 520 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा नई दिल्ली में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है वो समझ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है देश के लोगों को भारत में मौजूद पर्यटन स्थलों एवं विविधताओं से प्रचलित कराना। ये एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसे भारत सरकार हर साल 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद आयोजित करती है। 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम नई दिल्ली में। और इस साल के भारत पर्व की केंद्रीय विषय वस्तु एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी 150 वर्ष का समारोह है। और भारत पर्व का उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटनों स्थानों की यात्रा करने और देखो अपना देश की भावना का संचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? का सही जवाब है 2024। अब बता दें दोस्तों कि जो हमारे रेल मंत्री हैं जिनका नाम है क्या पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे को 2024 तक पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की उम्मीद है। इसके लिए पहले से ही डीजल इंजनों को धीरे धीरे सेवा से बाहर किया जा रहा है। और ये साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि साल भारत 2030 तक पूरे रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन नेटवर्क बनाने की योजना बना रहा है। यहाँ पर हम कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। यदि भारत ये लक्ष्य हासिल कर लेता है तो वह दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क होगा जो कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन एमिशन से मुक्त होगा और स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं दोस्तों कि रेलवे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर रहा है, ऐसा पीयूष गोयल ने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि सरकार पुराने कोयला संयंत्र को खत्म करने का भी काम कर रही है, इससे प्रदूषण को खत्म करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? का सही जवाब है नेपाल। आपको बता दें दोस्तों कि इस फोरम का आयोजन इस वर्ष अप्रैल में यानी कि अप्रैल 2020 में किया जाएगा। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि सागरमाथा संवाद फोरम में वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसका विषय जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य होगा। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दक्षिण देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागरमाथा यानी कि माउंट एवरेस्ट के नाम पर इस कार्यक्रम का नाम सागरमाथा संवाद रखा गया है जो दोस्ती का प्रतीक है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 25 जनवरी। आप अपने जवाब हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें JagranJosh.com।